हाय फ्रेंड्स, आई एम अनामिका एंड वेलकम टू एनाज रेसिपीज़। फ्रेंड्स, इससे पहले आज की रेसिपी शुरू करें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप फ्यूचर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट सीज़न जो कि जल्द ही आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी रेसिपीज़ और सारे अपडेट्स देखते रहें। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो एक बहुत स्पेशल रेसिपी इसलिए है क्योंकि वो मेरी मदर की रेसिपी है। वो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, तो उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखी है। आप प्लीज़ इसे देखिए। ये है धनिए के लड्डू। जी हाँ, कोरिएंडर लड्डू। ये लड्डू आपने जो नॉर्मल बेसन या आटे के लड्डू खाए हैं उनके कंपैरिजन में बहुत हेल्दी है और बहुत खूबसूरत भी डिश है। तो आप देखिए और बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। आइए देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स। Friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and get the regular updates about my recipes. सबसे पहले हमें चाहिए धनिया पाउडर 250 grams, बूरा करीब 150 grams, कोकोनट का पाउडर 50 grams या 1/4 कप, मावा करीब 100 ग्राम, घी 1 कप और आधा कप चॉप ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम मावा को भूनेंगे। हमें स्लो गैस पे मावा को भूनना है जब तक मावा ब्राउन कलर का ना हो जाए, और इसे भून के हम साइड में रख लेंगे। देखिए भुन गया है। अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई में धनिया और डाल देंगे घी। आधा घी हम डालेंगे। अब हमें इस धनिए को अच्छे से स्लो गैस पे करीब 10 से 15 मिनट तक भूनना है। फ्रेंड्स, धनिए के बहुत फ़ायदे हैं। ये इफ़ेक्टिव होता है स्किन डिजीज़ को सही करने में। तो ये आपकी स्किन को ग्लो करता है, ये चेक करता है ब्लड शुगर लेवल और हेयर फॉल भी प्रिवेंट करता है। उसको खाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसे स्लो गैस पे हम भूनेंगे करीब 10 से 15 मिनट। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। धीरे धीरे इसका रंग हल्का सा बदलने लगेगा और खुशबू आने लगेगी। इससे आपको पता चल जाएगा ये भुन गया है। देखिए इस वक्त इसका रंग चेंज हो गया है और ये अच्छे से भुन चुका है। इसको चलाते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं। इसे ठंडा कर लेते हैं, एक प्लेट में डाल देते हैं। इसे ठंडा करने रखते हैं और फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। इस धनिए के मिक्सचर में हमने मावा, कोकोनट, ड्राई फ्रूट ये सब डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें अब हाथों से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये हाथ से ही मिक्स होगा क्योंकि मावा और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए बूरा। अब बूरा डाल के इसे दोबारा अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करना है। लड्डू बनाने का यही सबसे क्रूशियल प्रोसेस है कि इसे दोनों हाथों से हमें मिक्स करना होता है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे अपना बचा हुआ घी, जो 1/4 कप बच गया था उसे अब डाल देंगे और फिर से इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए रेडी है। अब बनाएंगे इसके लड्डू। दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों की तीलियों से दबा दबा के अच्छे से हम लड्डुओं का शेप देंगे। ये देखिए एक लड्डू बन गया है, दूसरा बनाते हैं। इस तरह से दबा दबा के दोनों उंगलियों से और हथेलियों से हम लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू रेडी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी लड्डू भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये धनिए के लड्डू खाने के लिए एकदम रेडी है।